ओम शांति। अवेक्त मुरली से स्टोरी। स्वराज्य अधिकारी सुविश्वराज्य अधिकारी। जयपुर के राजा अपने बेटे आदित्य को विश्व पर राज्य कैसे किया जाए उसके लिए विश्व की सबसे बड़ी ईश्वरी यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ आचार्य को नम्र निवेदन करते हैं कि वे आकर राजकुमार को कुशल राज्य की नीतियाँ सिखलाएं। वे निवेदन स्वीकार कर दूसरे दिन महल जाते हैं। आचार्य कहते, राजकुमार से तुम्हारे भविष्य विश्व राज्य का आधार है इस संगम युग का स्वराज्य, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। राजकुमार कहता है, स्वराज्य मतलब? आचार्य कहते, स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। अगर आप व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हो, समझते हो ये रॉन्ग है, उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। स्वराज्य अधिकारी की विशेष नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर आत्मा का अधिकार। स्वराज्य के नशे से बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। वहां राज्य अति श्रेष्ठ और सुखमय होता है। राजकुमार कहता है, विश्व राज्य नीति क्या है? आचार्य कहते, विश्व राज्य में लॉ नहीं, स्नेह और संबंध की नीति चलती है। वहां अनेकता नहीं, एक राज्य और अखुट खजाने होते हैं। प्रजा भी एक परिवार है, राजा भी संपन्न, प्रजा भी संपन्न, पर इन सब का आधार है स्वराज्य। सदा प्योरिटी का ताज, विश्व कल्याण का ताज पहन, विश्व सेवाधारी का ताज भी पहनना है। विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज्य न विश्व राज्य। अपने शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिमान होने की स्मृति से सभी हलचल और नाजुक परिस्थितियों को दूर कर अचल अडोल बनना है। इस प्रकार राजकुमार सदा स्वराज्य की मौज और नशे में रह सब नीतियों को ध्यान में रख एक कुशल विश्व राज्य अधिकारी बन जाता है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें सदा याद रखना है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।